हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंघल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी एंड गुमटी एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सभी रेलवे छात्रों के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एक नई इन्फॉर्मेशन दोस्तों, एक नया इन्फॉर्मेशन निकल कर आया। तो यहाँ पर बिहार के मंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जो दोस्तों केंद्रीय मंत्री जी, और यहाँ पर रेल मंत्री है दोस्तों। छात्रों को लेकर दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के छात्रों के दोस्तों जो लगातार प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे दोस्तों, लगातार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे यार, उन सभी क्वेश्चन को लेकर दोस्तों रेलवे मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों, बिहार के मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार मोदी जी द्वारा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बच्चों के जो ईडब्ल्यूएस रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग इशू आ रहा था दोस्तों, कि ईडब्ल्यूएस रिलेटेड कौन से सर्टिफिकेट, कौन से ईयर का सर्टिफिकेट हमको जमा करना चाहिए, कौन से ईयर का सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, उससे रिलेटेड मामलों, लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे थे दोस्तों, उसका भी ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर हम लैंग्वेज प्रिफरेंस चेंज कर सकते हैं या क्या नहीं, इसके बारे में भी रेलवे मंत्री को डायरेक्ट ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बाद न्यू मेडिकल पैटर्न दोस्तों, जो अभी हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में आया था दोस्तों, कि मेडिकल पैटर्न, वहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड कई सारे पोस्टों के बढ़ाए गए थे, उससे रिलेटेड भी दोस्तों यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम से रिलेटेड जो मुद्दा उठ रहा था दोस्तों, उससे भी रिलेटेड यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है यार। इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम थे दोस्तों बच्चों के, इन सभी पांच मुद्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और इन सभी मुद्दों से रिलेटेड जो ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों रेलवे मिनिस्टर को, वो ज्ञापन आपको मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो भी प्रूफ के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूं दोस्तों ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लेकर चलता हूं दोस्तों सुशील कुमार मोदी जी के। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सुशील कुमार मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है दोस्तों। ये ट्वीट 3 घंटे पहले आई है दोस्तों। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री श्री अश्नवी वैष्णव से मिलकर आरआरबी के परीक्षार्थी हेतु 2019 का मेडिकल स्टैंडर्ड यथावत रखने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 1.5 गुना छात्र को बुलाए जाने तथा 2022 में निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाने से संबंधित रेलवे मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों। देख सकते हैं मंत्री ने समाधान हेतु दोस्तों इन्हें आश्वस्त भी किया, मतलब दोस्तों ये मांगे मान ली गई है, मान के चलिए कहा गया है कि इन पर काम किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी बात, जो मुद्दा यार बहुत बड़ा हुआ था, जानते हैं दोस्तों जितने भी बच्चे हैं यार लगातार इस पर दोस्तों इशू राइज कर रहे थे, लगातार बच्चों के द्वारा पूछा गया रहा था कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन से ईयर का लगेगा। तो यार रेलवे के द्वारा दोस्तों स्पष्ट किया गया था कि 2018 से पहले का जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वगैरह है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे, उससे बाद वाले नहीं होंगे। तो यार यहां पर दोस्तों इस पर भी रेलवे विचार करेगी, ये बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों, क्योंकि मंत्री के द्वारा दोस्तों रेलवे मिनिस्टर के द्वारा इन्हें आश्वस्त किया गया है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए दोस्तों, यहां पर केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णवी वैष्णव से मिलकर आरआरबी के परीक्षार्थी में 2019 का मेडिकल स्टैंडर्ड यथावत रखने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 1.5 गुना छात्र को बुलाए जाने तथा 2022 में निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्वीकार किए जाने से संबंधित यहां पर वीडियो जारी किया गया था दोस्तों। देख सकते हैं यहां पर दोस्तों मंत्री के द्वारा ये सारी बातें कही, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा डायरेक्ट रेलवे मिनिस्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री श्री अश्नवी वैष्णव से आज रेल भवन में मुलाकात कर मांग की है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परीक्षार्थियों हेतु मेडिकल स्टैंडर्ड 2019 का ही बरकरार रखा जाए दोस्तों। मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड ना बढ़ाने की दोस्तों यहां पर मांग रखी गई है सुशील कुमार मोदी द्वारा दोस्तों, ये ज्ञापन सौंपा गया है। रिक्तियों कि 1.5 गुना संख्या में परीक्षार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है अभी आरआरबी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 1:1 का ही लेंगे दोस्तों, मतलब जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे यार उतने ही लोग दोस्तों डायरेक्ट मेडिकल देने जाते, 1.5 का रेशियो नहीं रखा गया था, उसे दोस्तों बरकरार रखने के लिए यहां पर बातें कही गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर ईडब्ल्यूएस इशू को राइज किया गया है। देखिए यहां पर लिखा है क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस लागू था और पदाधिकारियों को ईडब्ल्यूएस निर्गत करने के बारे में स्पष्टता नहीं थी। आपको भी पता है ईडब्ल्यूएस रिकॉर्डिंग जो इशू चल रहा है दोस्तों, उसमें 2018 से पहले का ही सर्टिफिकेट एलिजिबल है, उससे बाद वाले जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो अलाउ नहीं किए गए हैं, याद रखिए। और यार बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जिनका अभी 2019-2020 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया गया है, तो यार ये मुद्दा भी काफी बड़ा था दोस्तों, इसका भी ज्ञापन रेलवे मिनिस्टर को सौंपा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंत्री ने आश्वस्त किया कि एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट तथा ग्रुप डी में दो की बजाय एक ही परीक्षा एवं उपरोक्त तीनों मांगों को सरकार को अवश्य समाधान करेगी और किसी भी कीमत पर छात्रों का अहित नहीं होगा, छात्रों के मांगों के अनुरूप समाधान किया जाएगा। ये बातें भी दोस्तों सुशील कुमार मोदी जी द्वारा स्पष्ट कर दी गई और इसका पूरा ज्ञापन दोस्तों रेलवे मिनिस्टर को सौंपा जा चुका है।
सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। दोस्तों यार, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना प्लीज। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।